अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य व पूर्व मंत्री व विधायक नैना देवी रामलाल ठाकुर ने किसान बिलों को काला कानून करार दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की समस्याओं को सुनने में वक्त नहीं है, जबकि अडानी जैसे लोगों के खाद्य भंडारण किराए पर देने के लिए पहले से योजना तैयार कर ली है। उन्होंने यहां पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अब किसानों के आंदोलन को तोड़ने के लिए झूठ का सहारा लेने लगी है तथा अब झूठी यूनियनों को खड़ा किया जा रहा है। ठाकुर ने कहा कि किसी आंदोलन को तोड़ने का ये पुराना तरीका है। उन्होंने कहा कि इन बिलों पर केंद्र सरकार चारों ओर से घिर चुकी है और किसानों के साथ आमजन और राजनीतिक पार्टियां भी खड़ी हो चुकी हैं। रामलाल ठाकुर ने तीखे सवाल दागते हुए कहा कि कोई ये तो बताए कि तीनों नए कानून से पहले भंडारण के लिए अडानी ग्रुप से करार किस कानून के तहत किया गया। जून 2019 की एक खबर है, FCI बिहार और पंजाब में भंडारण के लिए अडानी ग्रुप से एक करार करती है और जिसके तहत बड़े बड़े साइलोस बनाए जाने थे। इस बात की जानकारी सामने आनी चाहिए कि भंडारण के लिए पहले प्राइवेट पार्टी को प्रवेश दिया जाता है और फिर एक साल बाद कानून बदलकर प्राइवेट कंपनियों को स्टॉक लिमिट से छूट दी जाती है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार को चाहिए कि किसानों की बात को सुने। उन्होंने मोदी सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने अपने कार्यकाल में केवल विभिन्न संगठनों से सुझाव मांगे थे, लेकिन उन्होंने कोई कानून नहीं बनाया था। मोदी सरकार ने किसानों के हितों को दांव पर रखते हुए एक साथ तीन बिल पास कर दिए। उन्होंने सरकार से इन बिलों को रद्द कर फिर से कानून बनाने की मांग की है। देखो, आज पूरे मुल्क के अंदर जो किसान हैं वो इकट्ठे होके जो काले कानून बनाए जिसका सीधा प्रभाव हमारे कृषकों के ऊपर पड़ा, आज पूरे हिंदुस्तान में, आज क्योंकि भारत बंद का जो है वो ऐलान हुआ है और मुझे लगता है कि जब किसान जो 80% से ज़्यादा की आबादी है जब वो इस प्रकार का ऐलान करते हैं तो मुल्क हिल जाता है। मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष में जिस प्रकार से किसानों की अनदेखी हो रही है और बड़े बड़े अदानी अंबानी जैसे लोगों को जो है वो तरजीह दी जा रही है, उनसे तो मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि इस सरकार ने पहले ही फैसला कर लिया कि बड़े बड़े जो है वो जो अनाज के गोदाम हैं वो उनको स्टोर करने के लिए इन कंपनियों को जो है वो ठेका दे दिया, एक पंजाब में और एक कहीं दूसरे जो है ना दूसरे राज्य में। लेकिन अगर मान लो सरकार ने ये सारा कुछ कर लिया और उसमें ये भी कहा गया है कि एक टन जो अनाज है उसके ऊपर इनको जो किराया है वो कोई 97 रुपीज जो है पर मंथ देंगे, और अगर मान लो ये इस प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियों से समझौता हुआ है, इसका मतलब ये है कि सालाना 300 करोड़ रुपए की चपत सरकार को भी लगेगी और वो इनडायरेक्ट किसानों का जो है वो अहित होगा उसमें, और किसानों से जो है वो बड़ा अन्याय जो है ये सरकार इस प्रकार से कर रही है। आज अगर देखा जाए कि कृषक क्या चाह रहे हैं, कृषक ये नहीं चाहते कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस मुल्क में आए, कृषक ये नहीं चाहते कि जो मार्केटिंग है उसके ऊपर जो है वो GST 18% लग जाए जिसकी तैयारी हो रही है, और खाद्यान्नों और जो कृषि के ऊपर जो दूसरे जो हमारी फल है सब्जियां हैं उनको भी ये प्राइवेट कंपनियां जो है वो कंट्रोल करना चाह रही है। आज इसीलिए तो मुल्क में सारे किसान इकट्ठे हुए हैं और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा उनको पूरा समर्थन है